नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कन्वेंशनल की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसको हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और बहुत सारी रेसिपी में इसका उपयोग भी किया जाता है। जैसे केक वगैरह, कोई स्वीट्स बनाते हैं तो जरूर से हम मिल्क मेड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी रेसिपी बहुत क्रीमी और टेस्टी बनती है और जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस कंडेंस्ड मिल्क को हम आज घर पर बनाना सीखेंगे कि इसको कैसे हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट के जैसा, और इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक ताकि इसमें कोई स्मेल ना आए और ये खराब ना हो। तो चलिए बनाते हैं इस कंडेंस्ड मिल्क को। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे फुल क्रीम मिल्क। यानी फुल क्रीम मिल्क मतलब इसमें से मलाई ना निकली हो बिल्कुल, यानी क्रीम ना निकला हो, और इससे हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। और ये मैंने पैकेट वाला दूध इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आप चाहें तो आपके पास फ्रेश है बुफेलो का मिल्क तो आप उसका इस्तेमाल करें। और इसको एक चौड़े मुंह के बर्तन में ले लें और इसको मीडियम से लो फ्लेम में दूध को पकाएंगे। इसको दूध को गाढ़ा करना है और इसे मैंने आधा लीटर दूध में बनाया है, और इसी हिसाब से हम इसमें और भी सामग्रियों को मिलाएंगे। और आधे लीटर दूध में हम मिलाएंगे 100 ग्राम शुगर, यानी 100 ग्राम शक्कर डालेंगे, और इसको हम स्टार्ट में ही डाल देंगे दूध के साथ, और इसको भी पकाएंगे ताकि शक्कर क्या है बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, यानी थोड़ा बहुत ही कैरमलाइज हो जाता है, सेमी कैरमलाइज हो जाता है शक्कर, जिससे दूध जो है लंबे समय तक जो कंडेंस्ड मिल्क है वो रहता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अंत में नहीं डालना है और इसको मीडियम से लो फ्लेम में पकाएंगे धीरे धीरे। ध्यान रखें कि ये बॉटम में जलना नहीं चाहिए और ना ही ऊपर से पपड़ी आनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी होता है कंडेंस्ड मिल्क। और इसको हम जलाकर एक चौथाई हिस्सा करना है, यानी हाफ लीटर दूध हम लेते हैं तो 250 ml इसको बनाना है जलाकर, और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। और ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगता है जब ये गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि जब हम शक्कर को ज्यादा समय तक हम पकाते हैं गैस पे तो ये थोड़ा पकने के बाद इसका कलर चेंज होने लगता है, यानी थोड़ा कैरमलाइज होने लगता है। तो कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा येलोइश होता है, आपने देखा ही होगा। और अभी ये जो मेरा मिल्क है 1/4 हो गया है, अब मैं गैस को धीमा कर दूंगी। और कंडेंस्ड मिल्क जो होता है इसको हमें लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, तो इसको हम इसमें डालेंगे प्रिजर्वेटिव। इसमें मैंने एक चुटकी बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा क्या होता है, मिल्क को प्रिजर्व करता है, खराब नहीं होने देता और मिल्क में स्मेल भी नहीं आता, इसलिए इसको इसमें मैंने एक चुटकी बेकिंग सोडा डाला है। और 1/2 लीटर मिल्क में एक चुटकी बेकिंग सोडा काफी है। और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको हम कम से कम 10 से 15 सेकेंड मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, सॉरी लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद भी हम इसको थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि इसमें पपड़ी ना पड़े और थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए। और चलाने से क्या होता है, ये क्रीमी हो जाता है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको हम चलाना बंद कर देंगे और छोड़ देंगे ऐसे ही बिल्कुल ठंडा होने के लिए। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे किसी कंटेनर में भर कर रख देंगे, और इसे आप फ्रिज में भर कर रख दीजिए तो 2 से 3 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होता। और जब भी आप चाहें इसे अपना डेजर्ट बना सकते हैं, स्वीट बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। तो आपको मेरी कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।